हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं खड़ी हूँ इस टाइम किचन में, तो मुझे कुछ किचन से रिलेटेड ही वीडियो आपके साथ शेयर करनी है, इसलिए मैं किचन में खड़ी हूँ। और बस बर्तन धोने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि बर्तन से रिलेटेड ही वीडियो है, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कीरत को स्कूल छोड़ आई थी, रूम क्लीन मैंने कर लिया था। अब मैं आई थी किचन में काम निपटाने के लिए, तो सोचा आपके साथ बातें भी कर लूँ और अपना साथ के साथ काम भी निपटा लूँ, क्योंकि बातें करते करते काम कैसे हो जाता है, कितनी जल्दी हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी वीडियो दिखने में, क्योंकि पीछे से रोशनी बहुत आ रही है। मेरी किचन के पास ना जाल है ऊपर, और जिससे बहुत रोशनी आ रही है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स, बस धो लूँगी मैं फटाफट से बर्तन। पहले मैं छोटे छोटे बर्तन धो लेती हूँ, जैसे कटोरी, चम्मच, गिलास, प्लेट्स वगैरह, और बाद में मैं बड़े बर्तन धोती हूँ, क्योंकि अगर सारे बर्तन एक साथ धो ना तो प्रॉब्लम भी होती है थोड़ी, और आवाज़ भी बहुत करते हैं, और मुझे ना बर्तन आवाज़ करते हुए ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मैं बड़े जो बर्तन धोती हूँ, मैं बड़े आराम से और बड़े धीरे से धोती हूँ, ताकि आवाज़ ना हो। मैं बर्तन ऐसे धोती हूँ कि मेरे बर्तन धोने की बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है कि मैं बर्तन भी धो रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने धो लिए हैं बर्तन फटाफट से। अब ये मेरा ना फ्राई पैन है चाय का, इसमें सिर्फ मैं चाय और ग्रीन टी ही बनाती हूँ, जिसकी वजह से ना ये एक दो दिन बाद ना थोड़ा ज़्यादा गंदा सा हो जाता है, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो मैंने ना ऐसे बर्तनों के लिए, जैसे बड़े बर्तन होते हैं चिकनाई वाले, उनके लिए मैंने ये डिशवॉश पाउडर रख रखा है। इससे ना ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा डालो और जूने से धो दो, तो ये तुरंत साफ़ हो जाते हैं। तो बस मैं इसको ऐसे ही धो देती हूँ, ये बढ़िया चमक जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ना कपड़े चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि ना मैं किरत को स्कूल से छोड़ के आती हूँ और फिर लेके भी आना होता है थोड़ी देर बाद, तो बार बार कपड़े चेंज करने में ना मुझे आलस आता है। तो अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा काम है, कपड़े गंदे हो सकते हैं, तो मैं चेंज कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं यही डाल कर रखती हूँ। और जब मैं उसको किरत को स्कूल से ले आती हूँ, तब मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे कहीं जाना नहीं होता, तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। बार बार चेंज करने में भी बहुत आलस आता है मुझे। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने फ्राई बीन धो लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हो गया साफ। ये है मेरे डिश वॉश पाउडर का कमाल। तो फ्रेंड्स, कर लेते हैं अब मेन बात और मेन काम, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, आप जो हम तवा यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, तो वो काफ़ी गंदा आता है, जब हम पराठे वगैरह बनाते हैं काफ़ी चिकनाई लग जाती है और ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो बस इसको साफ़ करने का एक आसान तरीका है, बिना रगड़े, बिना ज़्यादा मेहनत करे इसको हम आसानी से साफ़ कर लेंगे। पहले तवे कैसे साफ़ किए जाते थे, मेरी मम्मी भी ऐसे ही तवा साफ़ करती थी, ईंट का जो छोटा सा टुकड़ा होता था ना, तो उससे रगड़ती थी, उससे तवा अच्छे से साफ़ हो जाता था, लेकिन अब उसकी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे साफ़, देखिए। तो बस इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, और ये आइडिया मुझे कैसे आया था मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ना एक दिन परांठे बनाए थे, तो तवा थोड़ा गर्म था, तो बस एक तवा ही धोना था, तो मैंने इसको गर्म तवे को ना ऐसी साबुन से धो दिया था, तो ये एकदम साफ़ हो गया था। तो बस मेरे को यहीं से आइडिया आया कि गर्म तवा एकदम से साफ़ हो जाता है, तो क्यों ना यही टिप अपनाया जाए, इसे रगड़ने से तो अच्छा है कि इसको ऐसे ही धोया जाए। तो बस मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस इसको मैंने गर्म कर लिया है तवे को यहाँ पर, और इस पर डालूँगी वो डिशवॉश पाउडर। कोई बात नहीं, अगर आपके पास वो नहीं दिया है, तो आप जिससे बर्तन धोते हो आप थोड़ा सा वो डालो ना, आपको नींबू डालने की ज़रूरत है ना सोडा डालने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखी हैं जिसमें तवे को सोडा डाल के थोड़ी देर रख देते हैं और फिर नींबू से रगड़ते हैं, तब वो साफ़ हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा अब ये डालकर, मैं पाउडर डालकर इसको लोहे वाले जूने से थोड़ा सा रगड़ दूँगी, और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आज मैं आपको दिखाती हूँ, देखो बिल्कुल तवा साफ़ हो गया है, बिना कोई झंझट करे, बिना ज़्यादा मेहनत करे या उसे रगड़े। देखो एकदम से ये बिल्कुल साफ़ हो गया, सारी चिकनाई, सारा कालापन इसका उतर गया है। बस जब से मैंने तवा ख़रीदा है, इतने साल हो गए, मेरा तवा जैसा मैंने ख़रीदा था वैसा का वैसा ही है। इसको बस मैं जब भी क्लीन करती हूँ तो इसी तरीके से करती हूँ, तो ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा मैंने इसको ख़रीदा था। तो फ्रेंड्स, ये है निपका लेमन चंदर एंड नीम डिशवॉश पाउडर। कोई भी बड़े बर्तन होते हैं, जैसे कढ़ाई,
कुकर फ्राई बीन हो तो मैं इससे ही साफ़ करती हूँ। कोई भी चिकनाई वाला बर्तन भी हो बड़े अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं और जल्दी भी साफ़ हो जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ रात में मैं एक दो सब्ज़ी लेकर आई थी तो मैंने भारी रख दी थी, अब उनको धोकर फ्रिज में रखूँगी। बिना धोए सब्ज़ी मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, तो बस अब धोकर इनको सूखने के लिए रख दूँगी। जब सूख जाएगी पानी निकल जाएगा तब मैं फ्रिज में रख दूँगी। बस ज़्यादा कुछ नहीं था, टमाटर थे, खीरे थे और एक शिमला मिर्च थी। आप सोच रहे होंगे एक शिमला मिर्च से तो सब्ज़ी बनेगी नहीं, कि एक शिमला मिर्च कैसे। तो मेरे बेटे ने कहा था मम्मी सुबह टिफ़िन में मैं फ्राइड राइस लेके जाऊँगा, तो नवरात्रे चल रहे हैं तो प्याज तो यूज़ होना नहीं था, तो मैंने उसने बोला शिमला मिर्च से फ्राई कर देना, तो मैं शिमला मिर्च लेकर आई थी। शिमला मिर्च टमाटर हरी मिर्च से मैं फ्राई करती, लेकिन सुबह उसका मूड चेंज हो गया तो बोला मम्मी मुझे ना फ्राइड राइस मत देना टिफ़िन में, मुझे आलू का पराठा देना आज, वो भी अचार के साथ। तो बस मैंने उसको आलू का पराठा दे दिया था टिफ़िन में। बस अब मैं यहाँ पर सब्ज़ी धो लूँगी। फ्रेंड्स इतनी महंगाई है कि सब कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सब्ज़ियाँ तो इस बार जैसे आसमान छू रही हैं, इतनी सब्जियां महंगी हैं। आप देख रहे हो ना जो एक शिमला मिर्च है, ये एक शिमला मिर्च सिर्फ 20 रुपए की है, एक शिमला मिर्च 20 रुपए की। और टमाटर 60 रुपए किलो, अभी थोड़े कम हो गए हैं, पहले 80 रुपए किलो थे तो थोड़े कम हो गए हैं। हमारे यहाँ तो सब्ज़ी का ये रेट चल रहा है। शिमला मिर्च मैंने पूछा कि कैसे दे रहे हैं, तो शिमला मिर्च 120 रुपए किलो है। तो भाई क्या खाएगा इंसान। तो आपके यहाँ क्या रेट है टमाटर का, शिमला मिर्च का, मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो ये रेट चल रहा है, शिमला मिर्च 120 रुपए किलो, बड़ी हैरानी की बात है। सब्ज़ी कोई सी भी है, कोई भी सस्ती नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बातें करते करते आपके साथ मेरी सब्ज़ी धुल गई है, बस इसको मैं टोकरी में डालकर पानी निकलने के लिए रख दूँगी और फिर मैं लगा दूँगी सब्ज़ी को फ्रिज में। सब्ज़ी धुल गई है, बस अब मैं बर्तन लगा दूँगी जो धो के रखे थे, उनका पानी निकल गया है। बस अब मैं किचन को कर दूँगी क्लीन। बस मैंने काम निपटा कर बना ली थी ग्रीन टी, अब हो गई हूँ फ्री, करूँगी थोड़ा सा रेस्ट और साथ में पीऊँगी ग्रीन टी। तो फ्रेंड कैसे आपसे बातें करते करते सारे काम निपट जाते हैं और टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।